हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में क्या सीखने वाले हैं, क्या नया है, आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कंपनी हमने बनाई है महिंद्रा लिमिटेड के नाम से, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ से हम F11 की प्रेस करते हैं ताकि हम इन्वेंट्री के फीचर्स को ऑफ कर सकें। आज का टॉपिक यही है कि हम सर्विसेज पे GST कैसे लगाएं। सर्विसेज जिसका यूज ज़्यादातर मैंने TDS में किया है, TDS के अलावा गुड्स के ऊपर भी सर्विसेज जो GST लगता है वो तो लगता है, ये सर्विसेज के ऊपर भी GST लगा है, तो हम सर्विसेज के ऊपर भी GST को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं अकाउंटिंग के दोनों फीचर्स ये मैंने चालू रखे हैं, बाकी इन्वेंट्री के फीचर्स को ऑफ कर दिया है और यहां से कंट्रोल एफ प्रेस कर दिया। ठीक है, अब हमें कुछ लेजर्स बनाने हैं, उनको हम बना लेते हैं। एक लेजर हम बना लेते हैं रेंट के लिए। ठीक है, तो रेंट पर जो रूम मिलता है होटल्स वगैरह में, उसके लिए मान लीजिए हम यहां पे कर देते हैं रेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो रेंट सर्विसेज है ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। यहां हमें GST को भी एक्टिवेट रखना है, हमने यहां से GST एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप यहां पे GST को भी एक्टिवेट रखिए। जो भी लेजर बनाएंगे उसमें GST एक्टिवेट रहेगा, तो ये यस कर दीजिए इसको कुछ इस तरीके से। यहां पे एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर कुछ इस तरीके से ये आता चला जाएगा और यहां पर GST रेट की डिटेल को यहां पे यस कर देंगे और बाकी इस तरीके से करके, और यहां पे टैक्सेबल दिखा रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 21% GST लगाया गया है। HSN कोड आप डाल सकते हैं, फिलहाल मैंने उसको ब्लैंक छोड़ रखा है। ठीक है, और बाकी की चीजें इसी तरीके से करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, तो ये GST आपका चालू हो गया है, देख सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, डायरेक्टली भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, आप फिर यहां पर आएंगे जैसे ही, तो यहां पे कह रहा है GST एप्लीकेबल, तो हाँ यहां पर तो हमें एप्लीकेबल ही करना है, तो इसीलिए हम यहां पे एप्लीकेबल कर रहे हैं। और यहां पर क्योंकि सर्विसेज पे हमें GST लगाना है, तो यहां Y प्रेस करके हम यहीं पर GST को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है आपका। ठीक है, परचेस टैक्सेबल कर देते हैं हम, ये हो गया। और बाकी यहां पर 5% का हम सर्विस टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये एंटर प्रेस किया, ये सर्विसेज है, गुड्स नहीं है, ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये रेंट सर्विसेज का एक लेजर हमने क्रिएट किया है। ठीक है, और बाकी ये देख सकते हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक लेजर अतिरिक्त हमने क्रिएट किया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर चेकबुक भी मैंने यहाँ पे यस कर दिया है, इसको भी इशू किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हमने एक्सेप्ट कराया कंट्रोल ए प्रेस करके। तो ये दो लेजर्स हमने बनाए हैं। एंट्री हमें करनी है परचेज वाउचर में, क्योंकि हम कुरियर सर्विसेज को परचेज करेंगे, तो यहाँ बी प्रेस कर लेता हूँ वाउचर में जाने के लिए और यहाँ से F9 प्रेस कर लेते हैं परचेज वाउचर में जाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे, चूंकि हमने सर्विसेज परचेज की है तो यहां पर पर्टिकुलर आ रहा है। अगर आपका सिनेरियो ऐसा नहीं आ रहा है, आइटम इनवॉइस मोड में है, तो आप यहां से कंट्रोल और एच प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि दो मोड दिखाई पड़ रहा है। अब वो आइटम इनवॉइस मोड हट जाएगा, सर्विसेज की बात आ गई है इसलिए। ठीक है, तो यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पर सप्लायर का कुछ इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं, बाकी यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग, और फिर यहां पर क्या आएगा, हमारी क्रेडिटर पार्टी है तो इसी को हम यहां पे लगाएंगे, इसी का लेजर हमें यहां पे इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो ये क्रेडिटर पार्टी हमने ले लिया यहां पे। ठीक है, और यहां पर देखेंगे तो पर्टिकुलर्स आ रहा है। अब यहां पर्टिकुलर्स में आपको क्या डालना है, यहां पर वो लेजर लगा लीजिए जो कि आपने दिया था रेंट सर्विसेज के नाम से। तो ये रेंट सर्विसेज करने पे देखिए कर्सर आपका सीधा अमाउंट पे आ जाता है, कितना रुपया चार्जेस दिया गया है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए रेंट के लिए 10,000 रुपए चार्ज दिया गया है, तो यहाँ पे मैं 10,000 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे, GST का लेजर हमने क्रिएट किया है वो लगा दीजिए। तो ये CGST देखिए कैलकुलेट होकर आ गया और बाकी SGST भी आ जाएगा, तो ये आ ही गया, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए कुछ इस तरीके से। यहां पर देख सकते हैं ये न्यू रेफरेंस आएगा, न्यू रेफरेंस आने के बाद इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करा लीजिए, नरेशन दे सकते हैं, फिलहाल छोड़ता हूं मैं। यहां पर आ गए, अब यहां से ये एंट्री तो हमने पास कर ली, अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें अगली एंट्री पेमेंट वाउचर की करनी है। F5 प्रेस कर लीजिए, आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में और रितेश सी यही तो था हमारा। तो यहां पे देख सकते हैं, तो ये 10,500 यहां पे आप डाल दीजिए, ये 10,500 हो गया। ठीक है,
एंटरप्रेस कीजिए, यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप आ जाएगा, एंटरप्रेस कीजिएगा, एंटरप्रेस कीजिए। पंजाब नेशनल बैंक से पे करना है या किस बैंक से पे करना है वो देखना है, तो हम लोग बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, देख लेते हैं पैसा है या नहीं। बैंक ऑफ इंडिया में हमारे पैसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेगेटिव कैश है, लेकिन आपकी एंट्री ऐसे ही पास होगी, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे चेक से हम कर रहे हैं, ठीक है, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से ये परचेज की सर्विसेज, जो सर्विसेज परचेज हमने की थी उसकी एंट्री पास हो गई है।